लगातार पिछले दो मैचों में इंडिया की बैटिंग में ढिलाई और बॉलिंग में पिटाई से इंडिया को लगातार दो हार मिल चुकी थी, लेकिन तीसरे मैच में ऑलराउंडर और बॉलर तो कुछ और ही सोचकर उतरे थे। हालांकि इस मैच में भी बल्लेबाजों की बैटिंग फ्लॉप नजर आई, लेकिन इसके बाद आए रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने वो कर दिखाया जो उन्हें करना चाहिए था। जहां एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच को आसानी से हार जाएगा, वहीं हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा 50वें ओवर तक पिच पर टिके रहे और इसी वजह से टीम इंडिया पहुंच गई 50 ओवर में 302 रन पर। और जवाब में आई ऑस्ट्रेलिया, बिना डेविड वार्नर के खेल रही थी, बैटिंग में सबसे बड़ी कमी नजर आई और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को बहुत करीब पहुंचकर हार गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप वन हिंदुस्तान और अभी हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच में खेला गया तीसरे मैच के बारे में और आपको देंगे इस मैच का क्विक रिव्यू, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो टॉस जीता इंडिया ने और पहले करने उतरी बैटिंग और इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर के अंदर 302 रन बना दिए। जवाब में आई ऑस्ट्रेलिया इस स्कोर के पार पहुंचने में असक्षम रही और मैच को हार गई। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने उतरे शिखर धवन और शुभमन गिल। शिखर धवन ने जहां 27 गेंदे खेलते हुए 16 रन बनाए, तो वही शुभमन गिल ने 39 गेंदों का सामना करते हुए 33 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली ने 78 गेंदे खेली और 63 रन बनाए। वही श्रेयस अय्यर लगातार इस मैच में भी ज्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाए और 21 गेंदे खेली और 19 रन बनाए। विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने 11 गेंदे खेली और ऑस्टन अगर के साथ हाथों 5 रन पर LBW हो गए। इनके बाद आए हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने मैच को संभाला और जहां पर केएल राहुल 152 रन पर आउट हो चुके थे, वहीं टीम इंडिया को 150 रन की पार्टनरशिप देकर 302 रन पर पहुंचा दिया हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने। हार्दिक पांड्या ने 76 गेंदों का सामना करते हुए 92 रन बनाए, वहीं रविंद्र जडेजा ने 50 गेंदों का सामना करते हुए 66 रन बनाए। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से अगर को 2 विकेट हासिल हुए, जंपा हेजलवुड और अबॉट को 1-1 विकेट हासिल हुआ। और अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग की, तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेविड वार्नर की जगह ओपनिंग करने उतरते हैं लाबुसाने और इनके साथ आते हैं कप्तान एरन फिंच। लाबुसाने जहां 13 गेंदों का सामना करते हुए 7 रन बनाते हैं, तो वहीं कप्तान एरन फिंच 82 गेंदों का सामना करते हुए 75 रन बनाते हैं। वहीं स्टीव सिम जो लगातार 2 मैचों में अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन इस मैच में वाइड जाती हुई गेंद को छेड़ा और शार्दुल ठाकुर के हाथों आउट हो गए। स्टीव सिम्स ने 15 गेंदों में 7 रन बनाए, वहीं हेनरिक्स ने 31 गेंदों में 22 रन बनाए, ग्रीन ने 27 गेंदों में 21 रन, कैरी ने 42 गेंदों में 38 रन, वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने इस मैच में भी अच्छा प्रदर्शन दिया 38 गेंदों में 59 रन, वहीं अबॉट ने 9 में 4 और चंपा ने 7 में 4, हेजलवुड ने 7 में 7 रन बनाए। इंडियन बॉलर्स की बात करते हैं जो लगातार 2 मैचों में अच्छे नहीं चले थे, लेकिन इस मैच में बुमराह ने 2 विकेट लिए, नटराजन ने 2 विकेट लिए और इस ODI सीरीज में पहला मौका मिला शार्दुल ठाकुर को जिन्होंने 3 विकेट लिए। वही कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को भी 1-1 विकेट हासिल हुआ। तो इस प्रकार से पूरे मैच के हाइलाइटेड पॉइंट थे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और हमारा रिव्यू अगर पसंद आया हो और अगर आप अगले जो मैचेस आने वाले उनके रिव्यूज भी पाना चाहते हैं, तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और दबा दीजिएगा बेल आइकन को भी। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अगले मैच के हाइलाइटेड पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।